आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम का बारे में देखेंगे। प्राणायाम हमारे भीतर की शरीर की शक्ति देता है। प्राणायाम हमारा हर कोश के लिए शक्ति देकर एक नया चैतन्य शक्ति भी शरीर के लिए मिलता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 प्रकार के हैं। हमारे शरीर में भीतर की शरीर में लाखों लाख नस नाड़ी है। ये लाखों लाख नस नाड़ी का प्रमुख 3 नाड़ी है। इसका कहते हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी का लेफ्ट साइड, पिंगला नाड़ी का राइट साइड नाखून, सुषुम्ना नाड़ी का भ्रूमध्य और बिंदु स्थान कहते हैं। ये तीनों नाड़ी शुद्धि होने से पूरा शरीर भी शुद्ध होता है, रक्त भी शुद्धिकरण होता है। हमारा भीतर की शरीर, हृदय हो, लीवर, किडनी और मांसपेशी सब मजबूत और सशक्त होता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित रूप से करने से हमारा ब्रेन में मस्तिष्क का शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ते हैं, एकाग्रता शक्ति भी बढ़ता है और चित्त के लिए प्रसन्नता मिलता है। शरीर का सभी ऑक्सीजन मिलने से शरीर में नया प्रकार के ताकत आता है और शांति भी मिलता है। तनाव, दुख, चिंता, बेचैनी, चिड़पड़ चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिकली कम होता है। इस प्राणायाम का हमारे रोग निरोधक शक्ति बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी का शुद्धिकरण करता है। हर नसों की नाड़ियों में रक्त संचार अच्छी तरह होने से कोई शरीर का दर्द हो, सूजन हो और तकलीफ नहीं होता है। न रक्त शुद्धिकरण और रक्त का संचार रुक रुक जाने से दर्द, सूजन, बेचैनी बढ़ते हैं। इस वजह से हमारे भीतर का शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए एक सरल उपाय और नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम में 5 प्रकार के हैं। आज एक प्रकार के प्राणायाम करेंगे। पहला, हर प्राणायाम लेफ्ट साइड से शुरू करना पड़ेगा। हर आसन राइट सर से शुरू करना पड़ेगा। हर प्राणायाम बाएं से शुरू करना पड़ेगा। दाएं से आसन शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ब्रेन का संतुलन समतोलन होता है। लेफ्ट से करने से राइट ब्रेन का असर पड़ता है। राइट से आसन करने से लेफ्ट ब्रेन का असर पड़ता है। इस तरह होने से ब्रेन का ऑटोमेटिकली संतुलन और समतोलन होता है और क्रियाशक्ति, चेतना शक्ति, सकारात्मक शक्ति भी बढ़ता है। इस कारण से नाड़ी शोधन प्राणायाम बीमारी लोग, हर लोग भी कर सकता है। आज नाड़ी शोधन का प्राणायाम का पहला प्राणायाम देखेंगे। अभी हमारा दाएं हाथ से, हथेली से, अंगूठा से, तंब से दाएं नाखून बंद करके गहराई से लेफ्ट से श्वास ले, लेफ्ट साइड से श्वास लेना, लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ना, लेफ्ट साइड से श्वास गहराई से लेना, धीरे धीरे श्वास पूरा भार छोड़ना, लेफ्ट साइड से श्वास भरना, पूरा श्वास खाली करना। लेफ्ट साइड से गहराई से श्वास लेना, लेफ्ट साइड से श्वास गहराई से छोड़ना। इस तरह लेफ्ट साइड श्वास लेना, छोड़ना 10 बार करना पड़ेगा। 10 बार का लगाकर धीरे 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 जब तक लेते हैं तब तक छोड़ना पड़ेगा। बाद में राइट साइड से श्वास लेना,
राइट साइड से श्वास छोड़ना, राइट से श्वास लेना, राइट से श्वास छोड़ना। राइट साइड से गहराई से श्वास धीरे धीरे लेना, राइट साइड से गहरा से श्वास बाहर छोड़ना। लेना, छोड़ना। इस तरह राइट साइड से 10 बार करना चाहिए। इसका लेने के लिए पूरक कहते, छोड़ने के लिए रेचक कहते, पूरक रेचक प्राणायाम भी कहते। पूरक रेचक करने से हमारा ऊर्जा शक्ति बढ़ता है और मस्तिष्क शांत होता है। हमारा आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए, साधन के लिए भी बहुत उत्तम प्राणायाम है। इस आज नाड़ी शोधन का प्राणायाम का पहले दिन पहला स्टेप देखा, कल अलग प्रकार के प्राणायाम देखेंगे करेंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।